नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस के महामारी के चलते सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स दूसरी मुस्लिम औरतों को ईद की शॉपिंग करने से रोक रहा है। ये वीडियो किस राज्य का है ये तो कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस वीडियो में एक शख्स मुस्लिम महिलाओं को ईद की खरीदारी करने से रोक रहा है, आपत्ति जता रहा है। ये शख्स कह रहा है कि जब पूरे देश में इतनी महामारी है, लोग परेशान हैं, लोग भूखे सो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ऐसे में खरीदारी जायज तो नहीं। देखिए ये पूरी वीडियो। रमजान की शॉपिंग कैसा करना भी बोला आप लोग रमजान की शॉपिंग कैसा करना भी बोला बोलिए। अभी तो कुफल है, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते और अपन इबादत सही जी खोल के नहीं कर सकते। अल्लाह के घर में कैसे नए कपड़े पहन सकते अपन? आप लोगों के इतने पैसे, अभी आप भूखे हैं रोडों पे, खाने को खाना नहीं है, पहनने को ना कपड़े नहीं है, कोई चीज़ पानी तक पीने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, पानी भी नहीं मिल रहा थोड़े थोड़े जगहों पर, रोडों पर पैदल जा रहे सौ किलोमीटर। और बाजी खुदा दी ये सुनते या नहीं सुनते बोलो। रमजान का महीना है, इतना मुबारक महीना है, हम इबादत नहीं कर सक रहे, मस्जिदों को नहीं जा सक रहे, ईद की नमाज नहीं पढ़ सक रहे, कौन से कपड़े खरीद रहे, कौन सी खुशी बनाना चाह रहे आप लोग? तुम्हारे पैरों बराबर तो वो भी कम करता हूँ मैं। ईद के बाद लियो ना जी, कितनी शॉपिंग करते कर लो ना। ये वायरस कपड़ों में नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ही सोचे, आप ही तय करे कि शख्स जो रोक रहा है वो गलत है या फिर मुस्लिम महिलाएं जो ईद की शॉपिंग कर रही है वो गलत है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।